नमस्कार, मैं विद्या, अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उस दिन मैं रेलवे स्टेशन गई थी, ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तब वहाँ पर मेरे रेलवे स्टेशन के खाने के स्टॉल पर मेरी नज़र गई और वहाँ से मैंने एक ब्रांडेड कंपनी का इंस्टेंट मील का पैकेट खरीदा। खोल के खाया तो बड़ा ही गजब का निकला। इतनी शानदार टेस्ट थी कि मैं बता नहीं सकती। मन में तुरंत आया कि ये हम घर पे क्यों नहीं बना सकते। बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियां खाने के सामान को फ्रीजर करने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हम बिना केमिकल के हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी चटकारे वाला बना ही सकते हैं। और यह भेल मैंने घर में बनाई और मैं बता नहीं सकती कि इतनी टेस्टी बनी कि बस बच्चे तो खुश हो गए। मैंने इसमें कुछ अलग खास मसाले दिए हैं, इससे इसका स्वाद बहुत ही शानदार बन गया है। तो हम गीली भेल या सूखी भेल ही खाते, लेकिन ये इंस्टेंट भेल का कंसेप्ट बहुत ही अलग है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चले इंस्टेंट भेल बनाना हम शुरू करते हैं। आज कुछ चटपटा हो जाए और घर में जो चीज़ें हैं उसी से इंस्टेंट कुछ बनाने का मन कर रहा है। घर में मुरमुरे थे, ये मुरमुरे मैंने लिए हैं। भेल के चटकारे के लिए यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है, गोल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, आमचूर है और थोड़ा रंग और तीखे के लिए हल्दी और लाल मिर्च पाउडर है। और ये सबसे ज़रूरी, इससे बहुत ही जायका आएगा, ये है दालचीनी। इस दालचीनी को मैंने कूट लिया है और थोड़ी सी मैंने दालचीनी पाउडर ली है। और थोड़ा सा मिठास के लिए, टैंगीनेस के लिए यहाँ पर मैंने पीसी हुई शक्कर ली है। और हमेशा की तरह स्वाद अनुसार नमक लेंगे हम। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने पहले से ही कढ़ाई गरम करने रख दी थी। तो सबसे पहले हमें भेल बनाने के लिए क्या करना है, जो मूंगफली के दाने थे उसे हमें डीप फ्राई कर लेना है, तल लेना है। तो मैं कढ़ाई में तेल दूंगी, मूंगफली के दाने मैंने आज को तेजी रखा है। हमें मूंगफली के दानों को अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। मैंने धीमी आंच पर मैंने मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे निकालेंगे। कढ़ाई में का तेल मैंने निकाल के रखा है, लगभग छोटा एक चम्मच मैंने तेल रखा है यहाँ पर। और मैंने आंच को एकदम धीमा कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि मुरमुरे को थोड़ा सेक लेना है। तो उसमें पहले डालेंगे हम हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ताकि मुरमुरे को ये चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। अब डालेंगे तुरंत मुरमुरे, अच्छे से चलाए, आंच को धीमा ही रखना है, अच्छे से चला लेना है। हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर मुरमुरों को अच्छे से कोट हो जाए। हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर मुरमुरों को अच्छे से कोट हो चुकी है। अब आंच को बंद कर दिया है मैंने। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमें दूसरा काम यह करना है कि अब हमें मूंगफली के दानों को थोड़ा कोट करके उसे थोड़ा चटकारे वाला बनाना है हमें। तो हम थोड़ा सा इसमें काला नमक देंगे, हल्का सा, एक चुटकी भर पाउडर शुगर, चुटकी भर नमक, थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा ज़्यादा आमचूर पाउडर। इसे अच्छे से मिला लें। अब ये सारे मसाले मूंगफली के दाने को कोट हो चुके हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसी सिंगदाने में, इसी बाउल में मैंने नमकीन डाला है, उसके बाद में डालेंगे भावनगरी सेव, उसके बाद डालेंगे तीखी दाल। अब हमें फिर से इनको थोड़ा सा हमें चटकारा देना है। तो मैं फिर से थोड़ा सा हल्का हल्का सा काली मिर्च पाउडर मैंने दिया है। अब दूंगी मैं दालचीनी पाउडर,
बस चटकारा देना है, आमचूर पाउडर और पाउडर शुगर, पीसी हुई चीनी और चुटकी भर नमक और थोड़ा सा हल्का सा चुटकी भर काला नमक। सब मैंने चुटकी से भी कम दिया है वैसे देखा जाए तो, थोड़ा थोड़ा सा देना है। इसे अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम मुरमुरा, अब हमने जो मसाला बना के रखा था वो इसमें मिक्स करेंगे हम। थोड़ा सा मिला ले, मिलाने के बाद इसमें डालेंगे हम अब पीसी हुई चीनी, पाउडर शुगर आधा चम्मच, डालेंगे काला नमक चुटकी भर, एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर, इससे बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है, काली मिर्च पाउडर फिर से डालेंगे, आमचूर। अब नमक की जरूरत कोई नहीं है, हमने इसमें काला नमक दिया है तो मुरमुरे के लिए, मुरमुरे का चटकारा बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने फिर से मसाले दिए हैं और अच्छे से मिला ले। और हमारी इंस्टेंट बेल बनके तैयार है, बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही चटकारे वाली। इसे आप एक एयरटाइट जार में डाल के रखें और जब चाह तब खा ले। इतने सारे चटकारे वाले मसाले, मेरे तो बनाते बनाते हैं मुंह में पानी आ गया। और ये बेल इतनी गजब की बनी कि बस मैं बता नहीं सकती। इंस्टेंट बेल अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करें, अनुष्का किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।